मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा हूं। उस काम में लगा हूं। झुंबरलाल जी खटोड सामाजिक प्रतिष्ठान से अध्यक्ष गौतम जी खटोड हे ही राजीवजींचा सत्कार करतील। तसे संजय माननीकर उदगीर दीक्षित साहेबांचे सहकारी यांचाही या मंचावर स्वागत करण्यात येत आहे। स्वागत करतायत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गौतमजी खटोड। संजय जी माननीकर टाळ्यांच्या गजरात आपण माननीकरांचं स्वागत करूया। यानंतर लगेचच राजीवजी दीक्षित हे आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करतील। मी त्यांना प्रतिष्ठानच्या वतीनं नम्र विनंती करते की आपण आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी। भैया स्वर्गीय श्री झूमरलाल जी खटोड सामाजिक प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित इस भव्य कीर्तन कार्यक्रम में आए हुए बीड के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मैं बहुत आभारी हूँ आयोजन समिति का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आपके सामने संवाद करने का मौका दिया। मैं आप सभी बीड के नागरिक बंधुओं से इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि बहुत अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए हिंदी में बात करता हूं। मेरी हिंदी बहुत सरल आसान होगी, आपको समझ में आएगी। मैं मराठी भाषा पढ़ता हूं, मराठी भाषा आप बोलें तो पूरा समझता हूं, बोलने का अभ्यास थोड़ा कम है इसलिए हिंदी में बात करता हूं। मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं वो स्वदेशी से संबंधित चिकित्सा का विषय है। हमारे अपने जीवन में विभिन्न तरह की जो बीमारियां आती हैं, जो रोग आते हैं, इन रोगों को ठीक करने के लिए हमारे स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधियां हैं जो संपूर्ण स्वदेशी हैं, निरापद हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और बहुत सस्ती हैं। ऐसी कुछ स्वदेशी औषधियों के बारे में मैं आपको माहिती देने के लिए आया हूं। आपके पास अगर कागज और पेन हो तो आप जरूर निकाल लें और ये माहिती को लिख लें, क्योंकि ये जीवन पर्यंत आपके काम आएगी।
मैं जो माहिती देने जा रहा हूं आपको वो भारत देश की आयुर्वेद चिकित्सा की जो पद्धत है हजारों वर्ष पुरानी, उस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धत के जो बड़े विशेषज्ञ रहे हैं उनके द्वारा जो शोध की गई है, रिसर्च की गई है, अनुसंधान किया गया है, ऐसी माहिती मैं देने वाला हूं। हमारे भारत देश की जो आयुर्वेद चिकित्सा है, स्वदेशी चिकित्सा, हजारों वर्ष पुरानी है। इस चिकित्सा में हजारों साल से बहुत बड़े बड़े चिकित्सकों ने, विशेषज्ञों ने, तज्ञ लोगों ने काम किया है। ऐसे एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम महर्षि बाघभट्ट, जो आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुए। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा में एक शास्त्र लिखा, एक पुस्तक लिखी, वो संस्कृत भाषा में है। उस पुस्तक का नाम है अष्टांग हृदयम। बाद में इसी पुस्तक का दूसरा भाग लिखा गया, वो है अष्टांग संग्रहम। ये दो पुस्तकें 3500 साल पहले भारत के आयुर्वेद चिकित्सा के विशेषज्ञ महर्षि बाघभट्ट की हैं। उन्होंने इन दोनों पुस्तकों में 7000 सूत्र लिखे हैं संस्कृत भाषा में, और वो सारे के सारे सूत्र इस बात के लिए हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में निरोगी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए क्या करना चाहिए, और व्यक्ति को अपने जीवन में स्वस्थ होने के लिए, निरोगी होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। हम क्या करें स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी होने के लिए, और क्या ना करें अपने जीवन में, यही दो माहिती के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा। इन दोनों पुस्तकों में 7000 सूत्र हैं। मैं उसमें से आपको मात्र 10 सूत्र बताऊंगा, क्योंकि 7000 सूत्रों को बताने के लिए 20 से 25 दिवस का समय लगता है, और मेरे पास 1 घंटे 20 मिनट का समय है। इसमें मैं लगभग 10 सूत्र आपको बताऊंगा, और ये सारे के सारे सूत्र जिनको मैं आपसे बताने जा रहा हूं, मैंने स्वयं अपने जीवन में उनका पालन किया है और उसका इतना लाभ मुझे हुआ है, और मेरे बहुत सारे सहयोगियों ने उनका पिछले कई वर्षों से पालन किया है, उनको भी बहुत लाभ हुआ है। और पिछले 12-13 वर्षों में मैंने हजारों लोगों को ये सूत्र बताए हैं, भारत के गांव-गांव में जाकर 10,000 से ज़्यादा मैंने सभाएं की हैं इस माहिती को फैलाने के लिए, और हिंदुस्तान के लाखों लोगों को इससे बहुत लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा, ऐसी मेरी पूरी विश्वास है। जो सूत्र मैं कहने जा रहा हूं वो संस्कृत के हैं, मैं सीधे हिंदी में कहूंगा ताकि समय बचे, और आपसे फिर से विनती है कि अगर कागज और पेन है तो आप जरूर लिख लीजिए, डायरी आपके पास है तो जरूर लिख लीजिए, क्योंकि इनको बताने के लिए दोबारा कौन आएगा मालूम नहीं है। हमारे जीवन में बीमारियां जो आती हैं, रोग जो आते हैं, वो क्यों आते हैं, आयुर्वेद की उनकी अपनी परिभाषा है, और परिभाषा ये है कि शरीर में 3 तरह के कषाय होते हैं या 3 तरह के दोष होते हैं। एक है वात, दूसरा है पित्त, तीसरा है कफ। आयुर्वेद में ये कहा गया कि वात, पित्त, कफ अगर ये संतुलित रहें तो व्यक्ति जीवन भर निरोगी होता है। इसी के आगे कहा गया कि अगर वात, पित्त, कफ बिगड़ जाएं, असंतुलित हो जाएं, तो व्यक्ति जीवन भर रोगी रहता है। तो हमें हमारे जीवन में एक ही प्रयास करना चाहिए निरोगी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, कि हम हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित रखें। अब वात, पित्त, कफ संतुलित कैसे रहते हैं हमारे शरीर में, इसी के लिए 10 सूत्र हैं। उसमें से सबसे पहला सूत्र है, जीवन भर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, वात, पित्त, कफ को संतुलित रखना है, तो सबसे पहला सूत्र है, भोजन के बाद, खाना खाने के बाद, जेवन नंतर पानी नहीं पीना।
ये पहला सूत्र है। भोजन के बाद, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। जीवन पर्यंत अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये सूत्र है। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, हम तो सब खाना खाने के बाद, भोजन के बाद पानी ही पीते हैं, लोटे पर लोटा पीते हैं, कई लोग तो भोजन से जास्ती पानी पीते। और आयुर्वेद का सूत्र कहता है जीवन नंतर पानी नहीं पीने का है। क्या कारण है इसका, क्यों नहीं पीने का है? आपको जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि आपका ये जो पूरा शरीर है, इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपका पोट। अंग्रेजी में हम सब लोग इसे स्टमक कहते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक स्टमक है, दूसरा एब्डोमिन है। ये पूरा पोट आपके जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का भी सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? आप जो कुछ भी भोजन करते हैं वो सब कुछ पोट में जाता है, फिर ये भोजन का पाचन होता है, उस पाचन में से रस बनता है, रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र अस्थि और मेद बनता है। मल और मूत्र शरीर के काम का नहीं है तो शरीर उसको नित्य दिन छोड़ देता है, लेकिन मांस मज्जा रक्त वीर आदि आदि जो चीजें बनती हैं वो बहुत काम की हैं, शरीर उनको धारण कर लेता है। तो हम जो भी खाते हैं, जो भी जीवन है, वो हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आयुर्वेद ये कहता है कि आपने जो कुछ भी खाया, इसका पाचन होना, इसका हजम होना, इसका डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अब डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए क्या होता है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो पोट में एक छोटे से स्थान में इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, उस स्थान को कहते हैं जठर। ये जठर शब्द संस्कृत का है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है। ये जठर कहां होता है? हमारे पोट का जो केंद्र है जिसको नाभि कहते हैं, उसके ठीक डाबे बाजू में, लेफ्ट साइड में, वहां पर ये जठर होता है। सारा भोजन इसी जठर में आता है। फिर जब भोजन वहां आ जाता है तो तुरंत उसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, आग जलती है। और ये अग्नि ऐसी ही होती है जैसे हमारे स्वयं पाक घर में रसोई गैस जो है, एलपीजी गैस जिसको आप कहते हैं, उसमें अग्नि जलती है, वैसे ही आपके जठर में भी अग्नि जलती है। अब क्या हुआ कि आपने भोजन किया, सारा भोजन पोट में जठर में इकट्ठा हुआ, अग्नि जलना शुरू हुआ, अग्नि ने भोजन का पाचन शुरू किया, उसी समय आपने गटागट गटागट पानी पी लिया। अब क्या होगा, अग्नि और पानी का मेल नहीं है, अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, अग्नि और पानी की दुश्मनी है। अगर आपने खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लिया तो जो पोट में अग्नि जल रही थी खाने को पाचन करने के लिए, वो बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी। और अग्नि अगर बुझ गई और बंद हो गई तो खाने के पाचन की क्रिया समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी। और अगर यह क्रिया रुक गई तो भोजन का रस नहीं बनेगा, और भोजन का रस नहीं बनेगा तो फिर भोजन सड़ेगा, और वो सड़ा हुआ भोजन आपके शरीर में कम से कम 103 रोग पैदा करेगा। और वो 103 रोग क्या हैं, नाम से बताता हूं। बहुत लोग ये कहते हैं हमारे पेट में जलन होती है, गैस बनती है, एसिडिटी। जान लीजिए कि जिनको भोजन पचता नहीं है, हजम नहीं होता है, उन्हीं को एसिडिटी होती है भोजन के सड़ने पर। ऐसे ही एक रोग है हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी से भी आगे का, फिर अल्सर है, फिर पेप्टिक अल्सर है, और इसी क्रम में आगे आगे बढ़ते जाएं तो आखिरी रोग है वो कैंसर है। कैंसर के बाद कुछ नहीं होता क्योंकि उसके बाद मृत्यु ही होती है। अब आप जरा सोचिए, आपने भोजन किया और भोजन के तुरंत बाद पानी पी लिया और वो भोजन सड़ गया, उसके पचने की क्रिया नहीं हुई, रस नहीं बना, सड़ गया,
गैस बनना शुरू हुआ, वहां से बीमारियां शुरू होंगी और कैंसर तक चली जाएंगी। फिर आप अपने जीवन के अंतिम दिन में अफसोस करेंगे कि आपने कोई बड़ी भारी भूल की, और वो भूल क्या है? भोजन के बाद आपने तुरंत पानी पिया, वही भूल है। इसलिए आप आज से अपने जीवन में इस नियम का वो संकल्प के रूप में ले लीजिए, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि अग्नि जल रही है वो खाने को पचाने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। फिर आप पूछेंगे कभी पीना, कितनी देर बाद पीना? तो उसका उत्तर यह है कि आपके पेट में खाने के पचने की जो क्रिया है उसके तीन चरण होते हैं। पहला चरण, पहला स्टेज है जो कुछ भी आपने खाया, सॉलिड और लिक्विड, ठोस और द्रव, ये एक दूसरे में मिलता है। यह क्रिया लगभग एक से डेढ़ घंटे तक चलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो कुछ एक दूसरे में मिल गया वो खिचड़ी जैसा बन जाता है और उसमें से रस बनना शुरू होता है। जब किसी चीज में रस बनना शुरू होता है तभी पानी की जरूरत पड़ती है, माने खाना खाने के एक से डेढ़ घंटे के बाद पानी पिए, एक तास नंतर पानी पीने का है। आप बोलेंगे बात तो समझ में आ गई, एक तास नंतर पानी पीने का है तो एक तास तक और कुछ पी सकते हैं क्या? पानी तो एक तास नंतर पीने का, ठीक है समझ में आया, और कुछ पी सकते हैं क्या? तो आयुर्वेद में माहिती दी गई है कि जेवण नंतर तत्काल अगर पीना चाहते हैं तो ताक पिए, तुरंत भोजन के तुरंत बाद अगर पीना चाहते हैं तो ताक पिए, भोजन के तुरंत बाद अगर पीना चाहते हैं तो दूध पिए, भोजन के तुरंत बाद अगर पीना चाहते हैं तो जूस पिए, फलों के रस पिए, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पिए, जूस पिए, ताक पिए, दूध पिए, पानी नहीं पिए। अब आप फिर पूछेंगे ये क्या चक्कर है, पानी तो नहीं पिए, ताक पी सकते हैं, ताक में भी तो पानी ही है, पानी नहीं पी सकते लेकिन जूस पी सकते हैं, जूस में तो पानी ही पानी है, पानी नहीं पी सकते लेकिन दूध पी सकते हैं, दूध में आप जानते हैं 90% से जास्ती पानी है, तो ये क्या चक्कर है? आयुर्वेद का एक ज्ञान कहता है जीवन नंतर पानी नहीं पीने का, और आयुर्वेद का ही ज्ञान कहता है जीवन नंतर ताक पीने की, दूध पीने का, जूस पीने का, पानी नहीं पीने का, जबकि जूस में भी पानी है, ताक में भी पानी है, दूध में तो पानी ही पानी है। ये कुछ चक्कर है, ये जरा समझना है ये चक्कर क्या है। मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूं वो ये कि ये जो पानी होता है ना, ये अगर अकेला है, किसी चीज में मिलाया नहीं है इसको, तो ये पानी के अपने गुण उसमें धारण किए हुए रहता है। पानी के कुछ गुण है, जैसे पानी रंगहीन है, पानी गंधहीन है, पानी स्वादहीन है, पानी शीतल है, पानी शामक है, ऐसे पानी के बहुत सारे गुण हैं। लेकिन ये सारे गुण पानी के तभी तक रहते हैं जब तक पानी अकेला होता है। जैसे ही पानी को किसी वस्तु में मिला दिया जाता है पानी के सारे गुण खत्म हो जाते हैं, जिस वस्तु में पानी मिल गया उसी के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। आपने हिंदी फिल्म का एक गाना सुना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिर उसी गाने में कहा गया जिसमें मिलाओ उस जैसा, माने पानी का गुण है कि जिसमें मिला दिया वैसे ही हो जाएगा। अब ताक में पानी है तो वो पानी नहीं है, वो दही है, क्योंकि ताक बनाई है दही में पानी मिलाकर, तो दही के सारे गुण पानी में आ जाएंगे। इसी तरह से दूध है, दूध में पानी मिला दिया है तो सारे गुण पानी में दूध के आ जाएंगे। इसी तरह जूस में अगर पानी मिल गया है तो फल के सारे गुण पानी में आ जाएंगे। इसलिए जूस पीने का
ताक पीने का, दूध पीने का नियम बताया गया, पानी नहीं पीना है। बात समझ में आ गई? आप कर सकते हैं, आज से ही इसको अपने जीवन में शुरू करिए। अभी इसमें एक और प्रश्न आप पूछेंगे, प्रश्न ये आएगा कि अच्छा ठीक है, जेवनंतर तत्काल ताक पीने का, जेवनंतर तत्काल दूध पीने का, जूस पीने का, पानी एक तास नंतर पीने का, तो आप पूछेंगे जेवन पूर्व? नंतर तो समझ में आ गया, पूर्व? जेवन पूर्व पानी पी सकते हैं क्या? तो आयुर्वेद में उसके लिए कहा गया हां पी सकते हैं, जेवन पूर्व भरपूर पानी पी सकते हैं, लेकिन उसका समय निर्धारित है, जेवन पूर्व लगभग 48 मिनट पहले भरपेट पानी पी सकते हैं। अगर आपको 10 बजे जीवन करने का है, खाना खाने का है, 9:12 तक भरपेट पानी पी सकते हैं। 11 भोजन करने का है, 10:12 तक भरपेट पानी पी सकते हैं। 48 से 50 मिनट पहले आप कितना भी पानी पी सकते हैं। आप बोलेंगे ये क्या कारण है? कारण ऐसा है कि जब आप पानी पीना शुरू करते हैं तो पानी आपके मुंह में होता हुआ, गले से उतरता हुआ, शरीर के अनेक अनेक अंगों में घूमता हुआ, अंत में मूत्र पिंड में जाकर आता है। तो मुंह से पानी पीना शुरू करें और उसको मूत्र पिंड तक पहुंचने में, जगह जगह से घूमकर आने में 48 मिनट ही लगते। इसलिए कहा गया जीवन पूर्व अगर पानी पीना है तो 48 मिनट पर पिए, जीवन नंतर पीना है एक तास कम से कम, जास्ती से जास्ती 1.5 तास। अब आप आखिरी एक प्रश्न पूछेंगे, जीवन के मध्य में पानी पिए कि नहीं पिए? तो उसका भी उत्तर है, अगर आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करने में दो अन्न खा रहे हैं, दो अन्न खा रहे हैं से मतलब ज्वारी की भाखरी खा रहे हैं और भात खा रहे हैं, ये दो अन्न है, गेहूं का रोटी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं और भात खा रहे हैं, ये दो अन्न है, मक्की या बाजरी की रोटी खा रहे हैं, भात खा रहे हैं, ये दो अन्न है। तो आयुर्वेद में कहा गया कि दो अन्न का भोजन अगर आप करते हैं तो एक अन्न खाने के बाद दूसरा खाने के पहले जरूर पानी पिए, लेकिन थोड़ा सा पिए, 3-4 घूंट पिए, इससे जास्ती नहीं। अभी एक सूत्र पूरा हो गया, आपके समझ में आ गया? अगर किसी को नहीं आया हो तो हाथ उठा दे, मैं फिर समझाऊंगा, क्योंकि ये एक सूत्र अगर आपने समझ लिया, जीवन पर्यंत आपका वात पित्त और कफ तीनों संतुलित हो जाएंगे और आपको कभी रोग ही नहीं आएगा, बीमार ही नहीं पड़ेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप बोलेंगे इसका कुछ प्रमाण दो, तो मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं। आप मनुष्य को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मनुष्य जाति को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हमारे जो पशु पक्षी हैं उनको देखिए, जितने भी पशु हैं, गाय है, भैंस है, मशी है, बकरी है, जो भी पशु हैं, इनको ध्यान से देखिए, ये सब सवेरे सवेरे भोजन करते और पानी सब दोपहर को पीते, जीवन करेंगे सकाड़ी और पानी दोपहरी। मेरा जन्म गांव में हुआ, मेरा परिवार शेतकरी परिवार है, मेरे घर में गाय है, बचपन से मैंने गाय को देखा है, तो गाय सवेरे जीवन करती है भरपेट, पानी दोपहर को पीती है 10-11 बजे, जीवन के साथ कभी पानी नहीं पीती। मैंने बहुत बार गाय के सामने क्या किया, वो जो खाना खाती है, भोजन करती है, उसके सामने पानी रख दिया, वो देखती भी नहीं है उस पानी को, पहले भरपेट खाना खाती है, फिर आराम से बैठ जाती है, फिर जुगाली करती है, फिर 2-3 तास नंतर पानी पीती है। इसलिए किसी गाय को डायबिटीज नहीं होती। कोई भी मशी को कैंसर नहीं होता, अर्थराइटिस नहीं होता। पक्षियों को भी आप देखिए, पक्षी होते हैं ना, सभी पक्षी सुबह सुबह खाना खाते हैं, दाना चुगने के लिए आते हैं, और पानी दोपहर को ही पीते हैं सबके सब। मैंने आज तक किसी पक्षी को ओवरवेट नहीं देखा, लठपना,
किसी पक्षी में नहीं है, सब एकदम स्लिम और ट्रिम है, क्योंकि वो आयुर्वेद के नियम का पालन करते हैं। अब आप जरा सोचिए कि पशु और पक्षी जो आयुर्वेद को जानते हैं, जबकि उनको कोई सिखाने वाला गुरु नहीं है, उनका कोई कॉलेज नहीं है, उनका कोई प्रोफेसर नहीं है, फिर भी उनको आयुर्वेद का ये ज्ञान है, और मनुष्य जिसको सिखाने वाले इतने प्रोफेसर हैं, इतने गुरु हैं, इतने कॉलेजेस हैं मेडिकल और ये सब, वो मनुष्य को ये ज्ञान ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? पशु पक्षी मनुष्य से जास्ती ज्ञानी है। तो मेरी आपसे विनंती है कि आज के बाद आप किसी पशु पक्षी को गाली नहीं देना, क्योंकि वो आपसे जास्ती ज्ञानी है। कई बार हम गाली देते हैं ना, तू जानवर है, गाली ऐसे देना चाहिए, तू आदमी है, मनुष्य है, कुछ समझता नहीं है, कुछ अकल नहीं है, हमसे जास्ती अकल पशु पक्षियों को। तो इस अकल का अपने जीवन में उपयोग करें। अकल क्या है? जेवन नंतर पानी नहीं पीने का, एक तास नंतर या डेढ़ तास नंतर पीने का, तत्काल कुछ पीने का है तो ताक या दूध या जूस। अब ये पूछ सकते हैं आप, ताक कभी पीने का, दूध कभी पीने का? ताक हमेशा दोपहर को पीना, दूध हमेशा रात्रि को पीना, और जूस हमेशा सकाड़ी, सकाड़ी जेवन नंतर जूस पीने का, दोपहरी जेवन नंतर ताक पीने की, रात्रि जेवन नंतर दूध पीने का। आप बोलेंगे ये क्या चक्कर है, सकाड़ी जूस, दोपहरी ताक और रात्रि को दूध। बात ऐसी है, हम जो भी कुछ पीते और खाते हैं, हमारे पेट में उसको हजम करने के लिए, पाचन करने के लिए कुछ रस की जरूरत पड़ती है, जिसको अंग्रेजी भाषा में एंजाइम्स कहते हैं। वो रस हमारे पेट में समय समय पर उत्पन्न होते हैं। ताक को पचाने के लिए, दही को पचाने के लिए जो रस चाहिए वो दोपहर को ही पेट में आता है ज्यादा। दूध को पचाने के लिए जो पाचक रस की जरूरत है वो सूर्यास्त के बाद ही पेट में पैदा होता है ज्यादा। और जूस को पचाने के लिए जिस पाचक रस की जरूरत है वो सकाड़ी सबसे जास्ती होता है। इसलिए नियम बना दिया गया, सकाड़ी जेवन नंतर जूस, दोपहरी जेवन नंतर ताक, रात्रि जेवन नंतर दूध। समझ गए? अब आप ये बहुत सारी आई और ताई यहां जो बैठी है वो ये कहेगी, हम तो हमारे बच्चों को सुबह सुबह दूध पिला के स्कूल भेजते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सुबह का समय दूध पीने के लिए अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा समय दूध पीने का है वो शाम को है। तो आप क्या पिलाएं सुबह सुबह बच्चों को? जूस पिलाइए, संतरे का रस पिलाइए, मौसमी का पिलाइए, द्राक्षी का पिलाइए, टमाटर का पिलाइए, गाजर का पिलाइए, कुछ नहीं है तो नींबू की शिकंजी ही पिला दीजिए, सबसे सस्ता। और जितने दिन उस खाने को मिलता है, जितने दिन, 3 महीने 4 महीने, तो सकाड़ी ऊस का रस जरूर पीने का, नाश्ता नंतर जेवन नंतर। आप बोलेंगे इसमें क्या है, ये जो ऊस का रस है ये अद्भुत है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, और हमारे शरीर की ये जो हड्डियां होती हैं इनको बनाने के लिए कैल्शियम सबसे जास्ती उपयोग में आता है, और जूस जो है ऊस का रस उसमें सबसे जास्ती कैल्शियम, फिर दूसरे नंबर पे सबसे जास्ती फास्फोरस है। कैल्शियम और फास्फोरस अगर किसी ऊस में, सॉरी किसी रस में है तो वो तो सबसे अद्भुत है। इसलिए ऊस का रस जितने दिन मिले जरूर पीना। क्या क्या फायदा होगा? हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगी, ताकत बहुत ज्यादा आएगी। और मैं आपको एक दो माहिती देता हूं, जो ऊस का रस पी सकते हैं सुबह सुबह, उनको जिंदगी में कभी भी काविड़ रोग नहीं हो सकता। काविड़, काविड़ समझते हैं मराठी में, जॉन्डिस, आंखें पीली पीली हो जाती हैं, लघवी एकदम पीली आने लगती है, शरीर टूट जाता है, बिस्तर पर लेटना पड़ जाता है, और काविड़ की दुनिया में औषध नहीं है।
एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे वो कहेगा कावड़ की औषध नहीं है, ये तो अपने आप ही ठीक होता है। डॉक्टर कहेगा आराम करो 20 दिवस 25 दिवस 30 दिवस। लेकिन इस कावड़ को होने नहीं देना, इसकी सबसे बड़ी ताकत है उसके रस में, तो उसका रस पिया सुबह सुबह बहुत अच्छा होता है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं उसका रस पीने को कि सारे के सारे भारतीय नागरिक रोज सकाळी एक गिलास उसका रस पिए तो भारत के जो शेतकरी ऊस उत्पन्न करते हैं वो सब श्रीमंत और कोटिपति हो जाएं। आप बोलेंगे वो कैसे? अभी क्या होता है, जो शेतकरी ऊस उत्पन्न करते हैं वो सारा ऊस साकर कारखाने में जाता है। साकर कारखाना चलाने वाला तो कोटिपति और श्रीमंत हो जाता है, शेतकरी वहीं का वहीं रोडपति रह जाता है। मैंने संपूर्ण भारत का 3 बार प्रवास किया है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जो भी शेतकरी ऊस उत्पन्न करते हैं सब गरीब हैं, रोडपति हैं। लेकिन उनके ऊस को साखर बनाने वाले जो श्रीमंत हैं और कोटिपति हैं, कारखाने के मालिक, वो सब उद्योगपति हैं। ये चक्कर क्या है? चक्कर बड़ा सीधा है। ऊस का भाव बहुत कम है, साखर का भाव बहुत जास्ती है। ऊस पैदा करने वाले शेतकरी को भाव कम ही है, लेकिन साखर बनाने वाले श्रीमंत को भाव सबसे जास्ती है। तो मेरा तो ये कहना है कि ऊस में से साखर बने एक भी शेतकरी श्रीमंत नहीं हो सकता। अगर इसी ऊस का रस बिकने लगे और सारे भारतवासी पीने लगे तो ऊस उत्पन्न करने वाला हर एक शेतकरी श्रीमंत होता है। और एक फायदा होता है, अगर ऊस का रस पिए ना तो नपुंसकता की बीमारी कभी नहीं आती। मैं आपको एक छोटी सी माहिती देता हूं, अगर आपके घर में ऐसे कोई पति पत्नी हैं जिनका विवाह हो गया लेकिन बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे, कमी किसी को भी हो सकती है, स्त्री में भी हो सकती है पुरुष में भी हो सकती है, ऐसे किसी भी पति पत्नी को कहिए कि अगर बच्चा चाहिए तो ऊस का रस पियो। और क्या डालकर पियो? चूना डालकर पियो। चूना देखा है पान में जो लगाते हैं, वो चूना 1 ग्राम 1 गिलास ऊस के रस में मिला के 3-4 महीने से 5-6 महीने तक कोई भी पी ले, बड़े आराम से बच्चा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में तो सबसे जल्दी बच्चा होगा जब पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है और इस कारण से बच्चा नहीं हो रहा है, उनके लिए तो ये अचूक औषध है, उसका रस और थोड़ा सा चूना। ये उसका रस और चूना दुनिया की सबसे अद्भुत औषध है, आप इसको पी सकते हैं। गुड़गे दुखने का अगर रोग है ना तो भी इसको पी लीजिए, गुड़गा दुखना कम कर देगा। कांधा दुखता है, कमर दुखती है, संधिवात हो गया है, उसके रस में चूना मिला के पीजिए, बहुत अद्भुत परिणाम। बार बार कावड़ होता है, उसके रस में चूना मिला के पीजिए, और अच्छे परिणाम। नपुंसकता है, शारीरिक कमजोरी है, उसमें भी ये काम करता है। तो मेरा कहना है आयुर्वेद का नियम सकाळी जेवण नंतर जूस पीने का, तो उसका रस सबसे अच्छा। दूसरे नंबर पर संतरे का रस, मुसम्मी का रस, द्राक्षी का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, और ये जितने भी रस आप पियेंगे सबका पैसा शेतकरी समाज को ही मिलेगा। और शेतकरी समाज को पैसा मिलेगा, शेतकरी समाज श्रीमंत होगा। मेरी आपको एक छोटी सी विनंती है, कुछ और रस आते हैं हमारे देश में बोतल में बंद, वो कभी नहीं पीना, वो सब खतरनाक है। जैसे बोतल बंद बाटली में बंद एक रस आता है पेप्सी कोला, एक है कोका कोला, थम्सअप, लिमका, सिट्रा, मिरिंडा, मैंगो फ्रूटी, ये सब बाटली में बंद आते हैं ना, और पैकेट में भी बंद आते हैं, ये खराब है, इनको नहीं पीना क्योंकि इनमें दम नहीं है। आप बोलेंगे क्या दम नहीं है, इनमें है क्या? मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और विज्ञान के विद्यार्थियों के
ऐसे 14 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं और ये सब जहर हैं, सभी विष हैं। ये पेप्सी और कोका कोला में तो एक केमिकल मिलाया जाता है, उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड से आप जानते हैं क्या बनता है? संडा साफ करने वाला हार्पिक। आपने टीवी जाहिरात देखा, हार्पिक वो संडास पात्र पे डालो, 2 मिनट में फ्लश करो, झकाझक सफेद कर देता है। वो कैसे कर देता है? उसमें एसिड मिलाया हुआ है जिसको तेजाब कहते हैं और उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। वही एसिड पेप्सी कोका कोला में भी मिलाया जाता है। तो एक बार मैंने सोचा कि हार्पिक से अगर संडा साफ हो सकता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों में एसिड है। तो मैंने मेरे घर में करके देखा। मैंने मेरे घर में क्या किया, 1 महीने तक संडा साफ नहीं किया, खूब गंदा हो गया, एकदम पीला पीला कचरा जमा हो गया उसमें। फिर मैं पेप्सी और कोका कोला की बाटली लेके आया और संडास पात्र पे गिराया और 2 मिनट के बाद पानी से फ्लश किया, संडास पात्र झक्का झक सफेद, एकदम वाइट एंड वाइट, एकदम नीट एंड क्लीन। वो दिन से मैंने एक जाहिरात शुरू किया है, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। ठंडा मतलब कोका कोला नहीं है, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि पढ़े लिखे श्रीमंत लोग ये टॉयलेट क्लीनर गटागट पीते रहते हैं, जास्ती एजुकेटेड जास्ती पीते रहते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, मैनेजर, प्रोफेसर सब संडा साफ करने वाला पानी पी रहे। किसी के लग्न प्रसंग में जाते हैं ना तो फोकट में मिलता है तो दो दो तीन तीन बाटली घटकते, और पीने वाले घर में अकेले नहीं पीते, कोई मेहमान आ गया उसको भी पिलाते। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को इस अंडा साफ करने का पानी पिलाते रहते, और कुछ अतिथि अपने घर में ऐसे आते हैं जो कहते हैं ठंडा लाओ, माने हमको संडास साफ करने का पानी पिलाओ। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, ये पेप्सी कोक थम्सअप लिमका सिट्रा नहीं पीना, क्योंकि इसमें एसिड है। वो एसिड पेट को जलाता है, एसिडिटी पैदा करता है। और सबसे तकलीफ की बात पता है क्या है, कि आप बाटली खरीदते हैं वो 10-12 रुपए की आती है, कारखाने में सिर्फ 70 पैसे की बनती है, वो 12 रुपए में आप खरीदते हैं। और ये पेप्सी कोका कोला की बाटली विदेशी कंपनी की है, अमेरिका की कंपनी की है, वो भारत की नहीं है। तो आप अगर 12 रुपए की बाटली खरीदे, 70 पैसा खर्चा होता है, 11 रुपए 30 पैसे मुनाफा होता है परदेशी कंपनी को। उसमें से वो 1 रुपए 1.5 रुपए टैक्स का देके, फिर दुकानदार को 1-2 रुपए देके, एक बाटली पर लगभग 8 से 8.5 रुपए कमा के अमेरिका ले जाते हैं। अगर एक बाटली पेप्सी कोला किसी ने पिया, 8 रुपए भारत देश का अमेरिका को दिया, 2 बाटली पिया 16 रुपए दिया, 3 बाटली पिया 24 रुपए दिया। दर वर्षी भारत में पेप्सी कोका कोला की 700 कोटी बाटली बिकती है और दर वर्षी भारत देश का 5,700 कोटी रुपए अमेरिका जाता है। 5,700 कोटी रुपए इतनी बड़ी रकम है कि अगर इससे सोना खरीद लिया जाए तो बीड़ जिले के एक एक गांव की सड़क सोने से बन सकती है। इतनी बड़ी रकम हम अमेरिका को देते हैं क्या पीकर? संडा साफ करने वाला पानी, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्सअप, लिमका, सिट्रा। तो मेरी आपको विनंती है नहीं पीना ये पेप्सी कोक। मैंने मेरे जीवन में यह देखा है कि जो पढ़े लिखे एजुकेटेड है ना वो ही पीते हैं पेप्सी कोका कोला, जो अनएजुकेटेड है कभी पढ़ने के लिए नहीं गए वो उसका ही रस पीते। इसका मतलब क्या है? अनएजुकेटेड है इंटेलिजेंट है और एजुकेटेड है मोस्ट इडियट है। संडा साफ करने का पानी पी रहे हैं, दूसरों को भी पिला रहे हैं, देश का पैसा विदेश में भेज रहे हैं और शेतकरी समाज को गरीब बना रहे हैं।
तो आयुर्वेद का नियम जो मैंने बता दिया उसको ध्यान रखना है, सकाळी जेवण नंतर जूस पीना, दुपारी जेवण नंतर ताक पीना, रात्रि जेवण नंतर दूध पीना, जूस पीना तो सबसे अच्छा उसका, दो नंबर पे संतरे मौसमी, फिर उसके बाद गाजर टमाटर, फिर जो भी फल मिले उसका। अभी दूसरा नियम आयुर्वेद का, दूसरा नियम अष्टांग हृदयम का, दूसरा नियम पानी कैसे पीना। पहला नियम हो गया जेवन नंतर एक तास के बाद पानी पीना, जेवन पूर्व पीना है तो 48 से 50 मिनट पहले पीना, जेवन मध्य पीना है तो दो अन्न का भोजन अगर कर रहे हैं तो एक अन्न खाने के बाद दूसरा खाने के पहले थोड़ा सा पीना, जेवन नंतर तत्काल कुछ पीना है तो दोपहरी ताक पीना है, सकाळी जूस पीना है, रात्रि को दूध पीना। अब दूसरा नियम मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि पानी कैसे पीना। तो आयुर्वेद में कहा गया है पानी को घूट घूट भर के पीना, सिप सिप करके पीना, जैसे चाय पीते हैं ऐसे पानी पीना, जैसे कॉफी पीते हैं ऐसे पानी पीना, एक घूट लिया फिर दूसरा लिया फिर तीसरा लिया, ऐसे करके पीना। आप बोलेंगे क्यों, कारण बताओ। कारण उसका यह है कि हमारा जो मुंह है इसमें सतत एक पदार्थ बनता है जिसको लार कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसे स्लाइवा कहते हैं, सेलिवा कहते हैं, मराठी और हिंदी में लार कहते हैं। ये जो लार पदार्थ है ये आपके शरीर का बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है। क्या करता है ये पदार्थ पेट में अंदर जाता है तभी भोजन का पाचन शुरू होता है, इसका अंदर जाना बहुत जरूरी है। और ये अंदर जाने के लिए सबसे आसान है पानी के साथ ये जाएगा, और ये लार जो है ना सतत बनता है, हर सेकेंड बनता है, आप सो जाते हैं फिर भी ये बनता रहता है। तो आप अगर पानी घूट घूट पिएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे, तो बार बार लार पानी के साथ मिलके अंदर जाएगा, और ये लार जो है क्षारपण होता है, क्षारीय होता है, एल्केलाइन होता है, और हमारे पोट में जो है ना अम्ल बनता है, एसिड बनता है। तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि पोट में एसिड बनता है, मुंह में क्षार बनता है, क्षार और अम्ल को मिलाते रहो तो दोनों एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। और जिनके पोट में क्षार और अम्ल दोनों मिले, लार और अम्ल मिले, वो जिंदगी में बीमार पड़ ही नहीं सकते। तो बार बार लार पोट में जाए इसके लिए पानी घूट घूट पीना। पानी पीने का तो सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा पानी लेना मुंह में भरना, ऐसे ऐसे करके फिर पीना, सब लार मिलके अंदर जाए, बहुत फायदा होगा। ऐसे पानी पीना थोड़ा थोड़ा करके। अभी हम घटाघट पानी पीते हैं, लोटे पे लोटा एक ऐसे ऐसे पूरा उतार, बहुत गलत तरीका है वो। अब फिर मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूं, सभी पक्षी और पशुओं को देखिए वो पानी कैसे पीते हैं। किसी पक्षी को देखिए एक थेम पानी का उठाएगा, फिर ऐसे ऐसे मुंह करेगा, फिर पिएगी। सभी पक्षी ऐसे एक एक थेम पानी पीते। कुत्ते को देखिए पानी कैसे पीता, चाट चाट के। शेर है, चीता है, कुत्ता है, ये बिल्ली है, सब पानी को चाट के पीते हैं। क्यों? आयुर्वेद का नियम उनको माहिती है। हाँ, जबकि वो कॉलेज में नहीं पढ़ते, स्कूल नहीं जाते, कोई उनका मेडिकल प्रोफेसर नहीं है, फिर भी माहिती है। कहां से आया? प्रकृति का ज्ञान उनको मिला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं पशु पक्षी जानवर मनुष्य से ज्यादा होशियार हैं। मनुष्य अपने पे घमंड ना करे कि मुझे बहुत ज्ञान है, आपसे जास्ती ज्ञान पशु पक्षी को है, उनसे सीखने की जरूरत है। तो आप भी पानी को थोड़ा थोड़ा पीने की आदत डालें, जैसे चाय पीते हैं वैसे पानी पीने की आदत। आप बोलेंगे इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा बताता हूं, जिनको यहां पैर की एड़ी में दर्द होता है घूट घूट पानी पीना शुरू करेंगे ये दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाए। जिनके शरीर में लठपणा आ गया, मोटापा आ गया, घूट घूट पानी पिएंगे लठपणा अपने आप कम होता जाएगा, औषध लेने की जरूरत ही नहीं है। जिनको एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, पोट में जलन होती है, गैस बनती है, घूट घूट पानी पिएंगे गैस बनना बंद हो जाएगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी।
बहुत लाभ है इसके, आप इसको आज से ही शुरू कर देना, पानी घूट घूट पीना। ये दो नियम हो गए। अभी तीसरा नियम है सकाड़ी झोप नंतर तत्काल पानी पीना। सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं ना, सबसे पहले पानी पीना, मुंह नहीं धोना, दांत साफ नहीं करना, पहले पानी पीना। आप बोलेंगे क्यों, रात्रि को आप सो गए, मुंह में जितनी लार बनी उठते ही पानी पी लेंगे तो सब अंदर जाएगी, और सुबह सुबह की ये जो लार होती है ना, ये बहुत कीमती है। इसकी कीमत पता है कितनी है, 5 मिलीग्राम सुबह के मुंह की लार 16,000 रुपए में बिकती है, 5 मिलीग्राम। ये जो लार है ना, इसका आजकल शैशे बिकता, शैशे समझते हैं, वो शैंपू का जैसे होता है छोटा सा पैकेट, 5 मिलीग्राम लार का शैशे 16,000 रुपए का है, इतनी कीमत है। अब आप क्या करते हैं, इस कीमती लार को सुबह उठते ही थूकते हैं, ब्रश घिस घिस के पेस्ट कर करके थूकते हैं, इतनी कीमती चीज 16,000 रुपए की जो 5 ग्राम आती है उसको फोकट में थूक रहे हैं अपने वॉश बेसिन। ये थूकने के लिए नहीं है, ये अंदर ले जाने के लिए। और ये सुबह सुबह की लार है ना, मैंने इसके बहुत परीक्षण किए हैं, ये औषधि है, दवा है। किस किस रोग में दवा है, अगर किसी को आंखों के नीचे काला काला हो गया, जिसको डार्क सर्कल कहते हैं, सुबह मुंह की लार निकाल के आंखों के नीचे लगाना शुरू कर दो, 3-4 महीने में सब साफ हो जाएगा। अगर किसी को कील मुहासे बहुत निकलते हैं, सुबह की लार लगा के मालिश करना शुरू कर दो, 2-3 महीने में कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। किसी के आंखों में चश्मा लगा हुआ है, सुबह के मुंह की लार आंखों में काजल की तरह से लगाना शुरू कर दो, चश्मा उतर जाता है। अगर शरीर में कहीं चोट लग गई है और वो ठीक नहीं हो रही है, सुबह की लार उस चोट पे लगा लो, चोट ठीक हो जाती है। आपने देखा जानवरों को, उनको जब चोट लगती है वो क्या करते हैं, जीभ से चाटते हैं, है ना, और अपनी चोट ठीक कर लेते हैं। आप भी यही कर सकते हैं। अब ये लार में नुकसान कब होता है, हानि कब होती है, जब सुबह ही सुबह उठकर आप पेस्ट घिसते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसके साथ सब थूकना पड़ता है, तो सत्यानाश तो आप अपना खुद कर रहे हैं, इतनी कीमती चीज को थूक रहे हैं पेस्ट के चक्कर में। तो ये पेस्ट करना बंद कर दो तो लार थूकने की जरूरत नहीं पड़े। आप बोलेंगे क्या करें, फिर कड़ू लिंबाची काढ़ी करो। उसका क्या फायदा है, लिंबाची काढ़ी जैसे ही आप मुंह में लगाएंगे लार जबरदस्त उत्पन्न होती है, करके देखो, मैं करता हूं। जैसे ही काढ़ी चबाना शुरू करेंगे जास्ती लार बनेगी, वो पीने की है, थूकने की नहीं है। तो आप बोलेंगे उसका लाभ क्या है, लिंबाची काढ़ी घिसते हुए जो लार पी लेंगे, जिंदगी में डायबिटीज उनको नहीं हो सकती, शक्कर का रोग नहीं हो सकता, शुगर की बीमारी नहीं हो सकती, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द नहीं हो सकता। आजकल एक बहुत खतरनाक रोग आया, चिकनगुनिया, सुना है आपने? हाँ, ये कभी नहीं होगा जीवन में अगर कड़ू लिम की काढ़ी घिसते हुए लार पिए। आपको एक माहिती है, अपना नया वर्ष आता है गुड़ी पड़वा, है ना, तो गुड़ी पड़वा के दिन हम प्रसाद बनाते हैं। तो उसमें कड़ू लिम का पान डालते हैं कि नहीं? मैंने एक बार आयुर्वेद के एक बड़े पंडित को पूछा कि हम गुड़ी पड़वा के दिन, नए वर्ष का पहले दिन, कड़ू लिम का पान क्यों खाते हैं? तो उसने कहा कि ये कड़ू लिम का पान खाने से लार जास्ती बनती है, लार जास्ती बनेगी तो रेजिस्टेंस जास्ती होता है, प्रतिरोधक शक्ति,
और प्रतिरोधक शक्ति जास्ती है तो रोग नहीं आ सकता। और गुड़ी पड़वा कब आता है? चैत्र मास में आता है ना, चैत्र मास का पहला दिन सबसे जास्ती रोग होने की संभावना है। क्यों? बात ऐसी है कि वो जो पहला दिन है वो संधि काल है। संधि काल कैसा है? गर्मी आ रही है, सर्दी जा रही है, उसका संधि काल है। संधि काल में सबसे जास्ती रोग होते और उन रोगों को लड़ने के लिए शरीर की प्रतिकारक शक्ति लगती है। उस प्रतिकारक शक्ति को लाने के ही सबसे बड़ी ताकत कड़ू लिम और लार में है। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने एक नियम बना दिया, गुड़ी पड़वा के दिन प्रसाद खाना कड़ू लिम का। अब कड़ू लिम का प्रसाद खाते हैं आप निरोगी हो जाते हैं, तो कड़ू लिम का दातुन क्यों नहीं कर सकते निरोगी होने के लिए? दांत भी मजबूत होंगे और पैसे भी बचेंगे। कड़ू लिम का दातुन 50 पैसे का एक आता है, और मैं तो शहर में रहता हूं इसलिए गांव में तो फोकट का ही आता है। कड़ू लिम का दातुन टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट बिल्कुल नहीं है, गांव गांव गली गली उपलब्ध है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सब भारतवासी टूथपेस्ट घिसना बंद करें, कड़ू लिम का दातुन करें, तो टूथपेस्ट का जितना बिक्री है वो खत्म हो जाएगा और उतना ही बिक्री कड़ू लिम के दातुन का बढ़ जाएगा। इस बिक्री में 50 लाख बेरोजगार नागरिक गांव गांव में रोजगार पा सकते हैं कड़ू लिम का दातुन बेचकर। आप कभी मुंबई जाते हैं? मुंबई, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पे दातुन मिलता है कि नहीं? 50 पैसे का एक, 1 रुपए का 2, 1 रुपए का 3। 5,000 गरीब लोग मुंबई में रोजगार पाते हैं कड़ू लिम का दातुन बेचकर। और मुंबई जैसे भारत में 680 शहर हैं, सभी शहर में सब लोग कड़ू लिम का दातुन करें तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, खर्चा भी कम होता है। खर्चा कम कैसे होता है? टूथपेस्ट हम खरीदते हैं कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, 100 ग्राम आता है लगभग 30 रुपए का, तो 1 किलो हो गया 300 रुपए का। अब 300 रुपए का 1 किलो हम पेस्ट खरीदते हैं और 150 रुपए का 1 किलो गाय का तूप आता है। 150 रुपए किलो तूप है, 300 रुपए किलो टूथपेस्ट है। तूप को भाखरी पे लगा के खाते हैं, सस्ता है, और टूथपेस्ट 300 रुपए किलो का दांत में घिस के थूकते हैं वो महंगा है। महंगी चीज थूकते हैं, सस्ती खाते हैं। क्या कहते हैं? हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, 300 रुपए किलो की चीज को थूकते हैं, मोस्ट इडियट हैं। 300 रुपए किलो की चीज को थूकने की जरूरत है? लोग मुझे पूछते हैं फिर क्या करें, मैं कहता हूं ये टूथपेस्ट 300 रुपए किलो इतना महंगा है इसको थूकना क्यों? यही पेस्ट को भाखरी पर लगा लगा के खा लो, तूप से तो महंगा है। और लोग टीवी का जाहिरात देख देख के कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट खरीद खरीद के ला के दांत में घिसते हैं। इसका दो नुकसान, एक तो पैसे की बर्बादी, दांत खराब, क्योंकि ब्रश से घिसेंगे तो मसूड़े सब खलास हो जाएंगे, दांत कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, पेस्ट बंद कर दो, कॉलगेट क्लोजअप जरूरत नहीं। उसका और एक कारण बताता हूं, ये जो कॉलगेट क्लोजअप टूथपेस्ट है ना, इसको आप जब घिसते हो तो इसमें झाग बनता है, फोम, मराठी में क्या कहते हैं, फेस, फीण कहते हैं, फेस, फेस, फेस बहुत बनता है। आपको माहिती है, बहुत लोगों को मैं पूछता हूं आप कॉलगेट क्यों करते हैं, तो कहते हैं इसमें फेस बहुत बनता है। तो मैं कहता हूं सबसे ज्यादा फेस तो शैंपू में बनता है, उससे भी जास्ती फेस शेविंग क्रीम में बनता है। तो शेविंग क्रीम क्यों नहीं कर लेते फिर आप, शैंपू क्यों नहीं घिस लेते अपने दांत में, फेस के लिए ही अगर पेस्ट कर रहे हैं तो। आपको जो मैं माहिती देना चाहता हूं, ये जो फेस बनता है टूथपेस्ट में, ये फेस बनाने के लिए एक केमिकल लगता है, उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, और ये दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है, कैंसर करने वाला केमिकल है। विज्ञान की माहिती मैं आपको दे रहा हूं, 0.5 मिलीग्राम सोडियम लॉरेल सल्फेट आपके शरीर में डाल दिया जाए तो आप कैंसर से मर जाएंगे, इतना खतरनाक है। और वो टूथपेस्ट में सबसे जास्ती मिलाया जाता है,
और वो आप अंदर घिस रहे हैं, वो जीप की लार के साथ मिलके अंदर जाता है, बहुत तकलीफ है, कैंसर हो जाएगा, मत करिए टूथपेस्ट। अमेरिका और यूरोप के देशों में तो टूथपेस्ट जो बिकता है ना बाजार में, उसके डब्बे पर चेतावनी लिखी रहती है अंग्रेजी भाषा में, वार्निंग। आपने देखा भारत में सिगरेट के पैकेट पर एक माहिती लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अमेरिका में कॉलगेट टूथपेस्ट पर यही लिखा रहता है, कॉलगेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और उसमें तीन बात लिखते हैं, पहली बात लिखते हैं, प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, 6 साल से छोटे किसी बच्चे को यह कॉलगेट नहीं देना। दूसरी माहिती लिखते हैं, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन प्लीज कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर। माने गलती से किसी बच्चे ने यह पेस्ट कर लिया, तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाना, इतना खतरा है। और तीसरा सेंटेंस लिखा होता है, इफ यू आर ए एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज एट योर ओन रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बड़े व्यक्ति हैं तो अपने ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में कॉलगेट लेना, क्यों, क्योंकि यह कैंसर करता है, खतरनाक है। अब भारत में क्या होता है, टीवी जाहिरात आता है तो कहते हैं ब्रश भर के लेना, अमेरिका में कहते हैं बिल्कुल थोड़ा सा लेना। तो हम ब्रश भर भर के जो कर रहे हैं ना कॉलगेट, हम खुद कैंसर की बीमारी बुला रहे हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कॉलगेट क्लोजअप बंद कर दो। और एक माहिती देता हूं, ये जो कॉलगेट क्लोजअप जैसे टूथपेस्ट है ना, इनको बनाने के लिए जो केमिकल लगता है वो एक केमिकल है डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट आता है मरे हुए जानवरों की हड्डियों में से। अब मरे हुए जानवरों की हड्डियों में से जो केमिकल आता है उससे टूथपेस्ट बनता है, और उसको सकाड़ी सकाड़ी मैंने देखा है, उपवास करने वाले लोग, उपवास करने वाले पानी भी नहीं पीते, लेकिन मरे हुए जानवरों का हड्डियों का पाउडर मुंह में घिस घिस कर उपवास करते हैं, फिर कहते हैं हम शाकाहारी है। नहीं करना ये, कॉलगेट क्लोजअप पेप्सोडेंट सब बंद करो। क्या करना, कड़ू लिंबाची काढ़ी, और दूसरी एक है बाबड़ीची काढ़ी। बाबड़ी है ना, उसका भी दातुन होता है। फिर एक बहुत अच्छा पेड़ होता है मदार की काढ़ी, और एक अच्छा पेड़ है कदंब की काढ़ी, और एक अच्छा झाड़ है जिसकी काढ़ी की जा सकती है जाम, अमरूद कहते हैं हम लोग हिंदी में, मराठी में जाम, उसकी भी काढ़ी। आम है ना, आम, आंबा की काढ़ी, वो भी दांत घिसने में काम आती है। 12 वृक्ष हैं भारत में जिनकी काढ़ी की जाती है। सबसे अच्छी कड़ू लिम की, दूसरे नंबर पर बाबड़ी की, तीसरे नंबर पर मदार की, कदम की, ऐसे 12 वृक्ष। और काढ़ी गांव गांव उपलब्ध है। मैंने हिसाब निकाल के बता दिया, अगर सब लोग काढ़ी करें 50 लाख लोगों को, बेरोजगारों को काम मिलता है, देश का पैसा भी बचता है, दांत भी अच्छे रहते हैं, लार जास्ती उत्पन्न होती है। समझ में आया, तो लार का ऐसा महत्व है। सुबह सुबह सोकर उठें, सबसे पहले पानी पिए ताकि लार सब अंदर चली जाए, उसके बाद दंत मंजन नहीं तो दातुन करें, पेस्ट बिल्कुल ना करें। अभी तीसरा नियम, सॉरी चौथा नियम, तीसरा तो यह हो गया, अभी चौथा नियम। चौथा नियम है, जिंदगी में कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, आइस वाटर कभी नहीं पीना। फ्रिज का रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी कभी नहीं पीना। क्यों? ये जो ठंडा पानी है, गार पानी है, ये बहुत तकलीफ देता है। कैसे? आपका पोट तो गर्म है और पानी तो ठंड है, गार है। अब ठंड पानी गर्म पोट में डालेंगे तो झगड़ा होगा क्या? या तो पानी पोट को ठंडा करेगा या पोट पानी को गर्म करेगा। अगर मान लीजिए पानी ने पोट को ठंडा कर दिया, तो पोट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है, हृदय के ठंडा होने के बाद मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क के ठंडा होने के बाद पूरा शरीर ठंडा होता है, और शरीर के ठंडे होने के बाद राम नाम सत्य होता है, आपको मालूम है। और राम नाम सत्य जब होगा
तो घर के बाहर आपको फेंक देते हैं, रखते नहीं। जो घर आपने बनाया लाखों रुपए कर्जा लेके, उस घर में आपका शरीर ठंडा होते ही रखते नहीं, बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, जल्दी करो। कितनी बेइज्जती है ठंडे शरीर। जिस शरीर को गर्म रहने पर लपट लपट के रोते हैं, ठंडा होते ही छोड़ देते हैं उसको। तो क्यों करना चाहते अपने शरीर को ठंडा, गार पानी पी के? नहीं पीना। अब एक विज्ञान की माहिती मैं आपको देना चाहता हूं। जब बहुत गार पानी आप पिएंगे, ठंड पानी पिएंगे, तो क्या होगा? पोट पानी को गर्म करेगा। अब पोट पानी को गर्म करेगा तो पोट को गर्म करने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे स्वयं पाक घर में कोई भी चीज गर्म करने के लिए एलपीजी गैस लगती है ना, वैसे पोट में पानी गर्म करने के लिए रक्त लगता है, खून। तो जब आप बहुत गार पानी पीते हैं तो सारे शरीर का रक्त पोट में आता है पानी को गर्म करने के लिए। अब रक्त की जरूरत है मस्तिष्क को, लेकिन वो आ गया पोट में। रक्त की जरूरत है हृदय को, वो आ गया पोट में। क्या करने के लिए? पानी को गर्म करने के लिए। तो मस्तिष्क को रक्त की कमी आ गई, हृदय को रक्त की कमी आ गई, तो मस्तिष्क में कभी भी पैरालिसिस हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हृदयघात कभी भी हो सकता है। इसलिए गार पानी नहीं पीना, ठंड पानी नहीं पीना, फ्रिज का रखा हुआ पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना। और एक माहिती देना चाहता हूं, जब बहुत गार पानी पीते हैं, बहुत ठंड पानी पीते हैं, तो पोट में एक आंत होती है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं हम लोग अंग्रेजी। तो बड़ी आंत का सारा रक्त आ जाता है पोट में पानी को गर्म करने। अब बड़ी आंत ऐसे होती है खुले हुए पाइप की तरह से, जैसे ही गार पानी पीते हैं ये बंद हो जाती है, ऐसे हो जाती है, संकुचित हो जाती है। और आपको मालूम है बड़ी आंत में से ही हमारा सारा गंदगी, मल, संडास निकलता है। अगर ये बंद हो गई, संकुचित हो गई, तो मल नहीं निकलेगा, संडास नहीं निकलेगा, तो मलबद्धता, कोष्ठबद्धता की समस्या शुरू होगी, जिंदगी आपकी नरक हो जाएगी। जिनको मलबद्धता है, कोष्ठबद्धता है, उनको बवासीर, मूड़ व्याध, भगंदर, घुटने दर्द, कमर दर्द सब होता है। इसलिए पोट साफ रहना जरूरी है, संडास नियमित रूप से होना जरूरी है। वो तभी होगा जब बड़ी आंत खुली रहे, अगर ये बंद हो गई तो नहीं होगा। तो गार पानी पी के इसको बंद मत करिए, नहीं तो त्रास होगा। अब मैं आपको एक और माहिती देता हूं, इसमें हंसने का नहीं लेकिन ध्यान से सुनने का। अमेरिका में और यूरोप में लोग बहुत गार पानी पीते हैं, ठंड पानी। अमेरिका के लोग तो इतने मूर्ख हैं, पानी को फ्रिज में रखेंगे, 5-6 दिन ठंडा होगा, फिर निकालेंगे, फिर बर्फ डालेंगे, फिर पिएंगे। इतना ठंड पानी पीते हैं। दुष्परिणाम क्या होता है? सबकी बड़ी आंत ऐसे बंद है। तो सवेरे जब संडास घर में जाते हैं, दोन दोन तास बाहर ही नहीं आते, अंदर ही बैठते। मैं उनको पूछता हूं, तुम करते क्या हो दोन तास संडास घर में? वो कहते हम व्रत पत्र पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इंतजार करना पड़ता है, मल निकलता ही नहीं, संडास होती नहीं। और कोई अमरीकी संडास घर में घुस गया ना, तो अंदर आप जरा ध्यान से सुनो तो करेगा लेकिन वो नहीं उतरती क्योंकि बंद है। जास्ती देर वो नहीं उतरती ना, तो वो गाना गाना शुरू करता है, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। और जास्ती त्रास होता है ना, तो दूसरा गाना गाता है, एक बार आजा आजा आजा, फिर भी नहीं आती। एक बार एक अमरीकी व्यक्ति को मैंने ये पूछा कि आपके संडास घर में कमोड सीट क्यों लगाते हैं? कमोड सीट समझते हैं, वेस्टर्न स्टाइल का, वो क्यों लगाते हैं? भारतीय पद्धत का संडास क्यों नहीं बनाते? उसने उत्तर दिया, भारतीय पद्धत के संडास पे 5 मिनट बैठ सकते हैं, हमको 2 तास बैठना पड़ता है, इसलिए हम कुर्सी जैसा संडास पात्र बनाते हैं, बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, पोट साफ होता ही नहीं है। यह समस्या कहां से आई? गार पानी से, ठंड पानी से। इसलिए आप जिंदगी में कभी भी ठंड पानी नहीं पीना, गर्मी में भी नहीं पीना। तो आप बोलेंगे फिर कौन सा पानी पीना?
माटी का जो घड़ा है ना, मटका, माटी का घड़ा, उसका पानी पी सकते हैं, क्योंकि वो गार नहीं है। उसका जो तापमान है पानी का वो 34-35 डिग्री है, शरीर का तापमान 37 डिग्री है, तो वो नजदीक का है, इसलिए माटी के घड़े का पानी पी सकते हैं। ठीक है, चार माहिती हो गई, अभी पांचवी माहिती। तो आप फिर एक काम करना, आज से फ्रिज में पानी नहीं रखना, क्योंकि पीने का नहीं तो रखने का क्यों। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा होगा, गले का रोग नहीं आएगा। हमारे बच्चों में गले का रोग आता है ना, टॉन्सिलाइटिस, ये कभी नहीं आएगा अगर गार पानी नहीं पिएंगे। खोखला नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, गार पानी नहीं पिएंगे तो। तो फिर पानी पीना कैसा है, गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं, और ठंडी के दिनों में पानी को कोमट गर्म करके पीना, कोमट गर्म करके पिएंगे तो सबसे अच्छा। आप बोलेंगे पानी रखने का पात्र कैसा होना चाहिए, पानी रखने का सबसे अच्छा पात्र मिट्टी का, माटी का। दूसरे नंबर पर तांबे का, ताम्र पात्र होता है ना, ये बहुत अच्छा है पानी रखने। तीसरे नंबर पर चांदी का। आप कहेंगे चांदी बहुत महंगी है, कहां से लाएंगे। आप ऐसा करिए, माटी के घड़े में चांदी का एक अंगूठी डाल दीजिए, काम हो जाएगा। और उससे भी अच्छा पानी है सोने का। अब सोना तो और भी महंगा है। हाँ महंगा है, लेकिन कोई पात्र में पानी रख के एक अंगूठी सोने की डाल दीजिए, चार्ज होता रहेगा। ये सोने चांदी का पानी पीना चाहिए ठंडी में, और माटी के घड़े का पानी पीना चाहिए गर्मी में, और ताम्र पात्र का पानी पीना चाहिए बारिश में, पाउस के सीजन। और पानी सबसे अच्छा माना जाता है जो पीने के लिए है, वो पाउस का, बारिश का जो पानी गिरता है ना, वो सबसे शुद्ध है। तो आपके घर में छत पर जितना भी पाउस का पानी गिरता है उसको इकट्ठा करिए, एक एक बूंद वो काम का है, कीमती है। आप बोलेंगे कैसे इकट्ठा करें, बहुत सरल तरीका है। पाउस का जितना भी पानी है एक पाइप में लीजिए और खड्डा खोद के उसमें डाल दीजिए सर, फिर वही पानी वापस निकाल सकते हैं बोर करके। साल भर जितना निकालेंगे उतना पाउस का चला जाएगा, पानी का बैलेंस बना रहेगा, तो कभी भी पानी खलास नहीं होगा, क्षेत्री के लिए भी और हमारे घर के लिए। बारिश का पानी सबसे शुद्ध है। दूसरे नंबर पर सबसे शुद्ध पानी है बहती हुई नदी का। तीसरे नंबर पर सबसे शुद्ध पानी होता है कुएं का। चौथे नंबर पर सबसे शुद्ध पानी है बोर का। अब पांचवें नंबर पर सबसे शुद्ध पानी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो पांचवें नंबर पे। दुर्भाग्य आपका है कि आप वो ही पीते हैं। क्यों, पाउस का पानी इकट्ठा नहीं करते इसलिए पीते हैं। मैंने मेरे घर में एक टांकी बनाई है नीचे, और सारा छत का पानी उसमें जाता है गच्ची का। एक बरस में 1,00,000 लीटर पानी इकट्ठा होता है, हम पूरे बरस वो ही पीते हैं। आप भी कर सकते हैं। टांकी बनाने का खर्चा 20,000-25,000 रुपए, इससे जास्ती नहीं। और जहां गाड़ी खड़ी करते हैं ना, कार वगैरह, उसी के नीचे बना दिया, ऊपर से पत्थर डाल दिया, दोनों काम में आती है वो। तो पानी पाउस का इकट्ठा करने की जरूर कोशिश करिए, बहुत अच्छा है, कीमती है, सब पानी से अच्छा है। तो चार नियम हो गए, अभी पांचवा नियम है, जब भोजन करना हो तो भोजन को धीरे धीरे खाना, चबा चबा के खाना। मराठी में कहते हैं ना, हड़ू हड़ू घ्या, सावकाश घ्या, धीरे धीरे खाओ, थोड़ा थोड़ा चबा चबा के खाओ। अभी कितना चबाएं, तो आयुर्वेद में कहा गया जितने दांत उतनी बार भोजन चबाओ। तो आप कहेंगे 32 दांत, तो 32 बार चबाओ। बाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखा, 32 बार चबाना, तो बिल्कुल लार के साथ मिलके अंदर जाएगा, बहुत जल्दी हजम होगा और सबसे ज्यादा ताकत शरीर को देगा। इसलिए खाना धीरे धीरे चबा के खाना, पांचवा नियम। छठा नियम है, जब भी भोजन करना तो जमीन पे बैठ के करना, भूमि पे बैठ के करना, खड़े खड़े नहीं। आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं, बुफे सिस्टम। ये बुफे सिस्टम नहीं, बफेलो सिस्टम है, मछी खाती है खड़े खड़े।
आदमी के लिए नहीं है ये, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं ही इडियट, करें क्या उसका। अमेरिका यूरोप की नकल करके खड़े खड़े खाना खाते हैं, खड़े खड़े खाना खाने में तकलीफ क्या है और जमीन पे बैठ के खाने में क्या फायदा है वो जानिए। जब हम भूमि पे बैठे हैं ना ऐसे करके सुखासन में आलती पालती मार के ऐसे बैठ गए, तो हमारा जो नाभि है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल के सीधे संपर्क में है। गुरुत्वाकर्षण बल नाभि पे जब केंद्रित होता है तो नाभि चार्ज होती है, फिर उसके बगल में जठर है वो भी चार्ज होता है, अग्नि बहुत तीव्र होती है, तो इस स्थिति में बैठ के जो खाना खाएं बहुत जल्दी हजम होता है। इसलिए जमीन पे बैठ के खाना खाना। फिर आप बोलेंगे डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं है, कुर्सी पे बैठ के खाना कभी नहीं खाना, गड़बड़ क्या है इसमें, गुरुत्व केंद्र बदल जाता है और फिर वो खाना जल्दी हजम नहीं होगा। तो आप बोलेंगे डाइनिंग टेबल लाया तो अब क्या करना, डाइनिंग टेबल लाया है तो बेच दो, बेकार है वो, कुछ काम का नहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं बेचने का दिल नहीं करता, तो मेरा एक सुझाव है उसका पांव काट दो, एकदम नीचे आ जाएगा। तो जैसे पाटा होता है ना लकड़ी का पाटा, वैसे डाइनिंग टेबल पे थाली रख के आप जमीन पे बैठ के खाना, उसका ये उपयोग हो सकता है। और मुझे तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, हमारा घर हम बनाते हैं, कितना महंगा जमीन है, बीड में एक स्क्वायर फीट जमीन की कीमत कितनी है, 500 रुपए। अब 500 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन है, डाइनिंग टेबल अगर 10x10 की है, 100 स्क्वायर फीट जमीन आपने घेर रखी है, एक स्क्वायर फीट 500 रुपए की है, 100 स्क्वायर फीट 50,000 रुपए की जमीन आपने डाइनिंग टेबल के नीचे बेकार करके रखी हुई है, जो इस्तेमाल ही नहीं आ रही, और काम करने वाली बाई को भी त्रास होता है, झुक झुक के उसमें झाड़ू लगानी पड़ती है, क्यों लाए आप इसको, छोड़ दो, कुछ काम की नहीं, इसको निकालोगे घर से खाली जगह हो जाएगी, स्पेस खुल जाएगा, वो किसी दूसरे काम में आएगा। मैं आपको एक छोटी माहिती देना चाहता हूं कि घर के अंदर जितना खुला स्पेस होता है दिल और दिमाग उतना ही खुला होता है, और के घर के अंदर जितनी चीजें घिचपिच होती है ना स्पेस कम होता है, दिल दिमाग भी उतना ही छोटा होता है। ये जो आजकल फ्लैट सिस्टम चल गए ना, हम गांव से शहर में आ गए, तो गांव में तो बहुत बड़े घर में थे, अब शहर में आके छोटे फ्लैट में रहते हैं, तो हम दिल दिमाग से भी छोटे हो गए, शहर वाले दिल दिमाग में सबसे छोटे हैं, गांव वालों का दिल दिमाग बहुत बड़ा है क्योंकि बड़े घर में रहते हैं, खुले घर में रहते हैं। तो घर को थोड़ा खुला रखिए, जबरदस्ती डाइनिंग टेबल सोफा सेट वगैरह वगैरह मत लाइए। तो आप बोलेंगे बैठेंगे कैसे, जमीन पे बैठिए, हर समय जमीन पे बैठेंगे गुड़गे का त्रास कभी नहीं होगा, हर समय जमीन पर बैठेंगे पेट बाहर जास्ती कभी नहीं आएगा, जमीन पे बैठ के खाना, जमीन पे सोना, जमीन पे ही सब करना, और अंत में जमीन पे ही मरना। ये कुर्सी मेज का चक्कर कम करिए। आगे बढ़ते हैं और एक आगे का नियम, सातवां नियम। सातवां नियम बहुत अच्छा है, सबके काम का है, कि जब आप जो भोजन करें दुपारी जेवन नंतर, कुछ भी काम नहीं करना, आराम करना। दुपारी जेवन नंतर काम नहीं करने का, आराम करने, कितना, कम से कम 1 तास। आप बोलेंगे जो लोग घर में रहते हैं उनके लिए तो आसान है, और जो नौकरी पे जाते हैं वो क्या करेंगे। तो नौकरी पे जाने वालों के लिए मेरी विनंती है कि दुपारी जेवन वो सकाड़ी करें, 9 बजे जाने से पहले नौकरी पे 9 बजे खाना खाएं, 10 बजे तक विश्रांति लें, फिर ऑफिस जाएं। आप बोलेंगे ये क्यों, बात ऐसी है कि जब भी हम दोपहर को खाना खाते हैं ना, सूर्य का ताप बहुत तेज है, सूर्य के ताप से शरीर गर्म है, शरीर ज्यादा गर्म होने से ब्लड प्रेशर जास्ती है, और ब्लड प्रेशर जब जास्ती हो ना तो काम नहीं करना चाहिए, विश्रांति लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए। इसलिए दोपहरी जेवन नंतर विश्रांति लेना, और विश्रांति लेने का सबसे अच्छा तरीका है ये जो डावा बाजू है ना, इस बाजू में सोना, इसको हम कहते हैं वाम कुक्षी।
यह सबसे अच्छा तरीका। अब इसके आगे का नियम है आठवां, वो यह है कि रात्रि जेवन नंतर तुरंत नहीं सोना, काम करना। दुपारी जेवन नंतर विश्रांति करना, रात्रि जेवन नंतर काम करना, दोन तास काम करना, उसके बाद ही विश्रांति लेना। क्योंकि रात्रि को क्या है, ब्लड प्रेशर लो है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश है और वो शीतल है, और लो बीपी में आराम नहीं करना चाहिए। इसलिए रात्रि जीवन नंतर दोन तास काम करके फिर विश्रांति लेना। इसके आगे का नवा नियम है, जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे, समृद्धशाली रहेंगे, कि आप खाना जो खाते हैं, भोजन जो करते हैं, उसमें दो वस्तु एक साथ ऐसी नहीं खाना जो एक दूसरे के विपरीत है। जैसे दूध और दही साथ में नहीं खाना, तूप और मद साथ में नहीं खाना, कांदा और दूध साथ में नहीं खाना, फणस और दूध साथ में नहीं खाना, खट्टा फल संतरा मौसमी द्राक्षी दूध के साथ नहीं खाना। इसी तरह से दही में मीट डाल के कभी नहीं खाना, दही में नमक नहीं डालना, गोड़ वस्तु डालना। क्यों नहीं डालना? दही में छोटे छोटे करोड़ों की संख्या में जीव रहते, वो जीव जीवित चाहिए हमको शरीर में, लेकिन जैसे ही आप मीट डालते हैं वो सब मर जाते हैं। तो मीट क्यों डाल के दही खाएंगे, वो दही काम का नहीं है शरीर, इसलिए दही में गोड़ वस्तु डाल के खाना। ऐसे ही ताक में मीट नहीं मिलाना, ताक भी गोड़ वस्तु के साथ खाना। तो आप बोलेंगे अगर दही का उपयोग सलाद बनाने में करते हैं, कोशंबरी बनाने में, तो गोड़ वस्तु का, मीट नहीं। दूध भी कभी मीट के साथ नहीं लेना, मीट की नमक की कोई वस्तु खा रहे हैं तो दूध नहीं पीना साथ में, एक तास अंतर रखना है। तो विरुद्ध वस्तुओं को कभी साथ में नहीं खाएंगे, जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी। और आखिरी छोटी सी माहिती, दसवां नियम है, वो ये है कि जब आप भोजन को बनाते हैं, भोजन को पकाते हैं स्वयं पाक घर में, तो जिस पात्र में, भांडे में आप भोजन रखते हैं, उस भांडे को हमेशा खुला रखना, खुले भांडे में भोजन बनाना, बंद में नहीं। क्यों? भोजन को बनते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत जरूरी है, तो भांडा खुला रहेगा तभी होगा। मतलब सीधा सा है, प्रेशर कुकर में भोजन नहीं बनाना, क्योंकि वो बंद है, उसमें पवन का स्पर्श नहीं होता। और प्रेशर कुकर की एक और तकलीफ है कि वो एल्यूमिनियम का है, और एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है भोजन बनाने के लिए और खाने के लिए। एल्यूमिनियम के भांडे में अगर भोजन बनाते हैं और खाते हैं, बहुत जल्दी टीबी होगा, ट्यूबरकुलोसिस, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। इसलिए घर से प्रेशर कुकर का उपयोग आप कम करिए। तो फिर आप बोलेंगे कौन से भांडे लेके आए, माटी के भांडे लेके आइए, वो सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा है। माटी की हांडी आती है, उसमें आप दाल बना सकते हैं, भात पका सकते हैं, सब्जी पका सकते हैं। उसके दो फायदे हैं, एक तो 25 रुपए की है, बहुत सस्ती। दूसरा फायदा है, माटी जो है ना, इसमें कैल्शियम बहुत है, आयरन बहुत है, इसमें फास्फोरस बहुत है, शरीर को लगने वाले जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो सब माटी में है। तो माटी का बनाया हुआ हांडी वो लाएंगे तो भारत के 1,50,00,000 कुम्हारों को रोजगार भी मिल जाएगा, और आपके शरीर को सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करिए। तो आप बोलेंगे अभी कुमार हैं क्या, यहां बीड में है, मैं अभी आया तो देखा सड़क के किनारे वो माटी का बेचते हैं, कोई खरीदता नहीं क्योंकि सबके पास प्रेशर कुकर, सब फ्रिज में पानी रखते हैं, गाढ़ा भी अभी नहीं बिकता उनका। तो आप थोड़ा उनसे खरीदिए, उनकी रोजगारी चलेगी, आपका शरीर अच्छा रहेगा। और माटी के बर्तन अगर नहीं ला सकते, भांडे नहीं ला सकते, तो पीतल के लाना, पीतल, और वो भी नहीं आ सकता तो कांसा। सबसे अच्छा माटी, दूसरा पीतल, फिर कांसा, फिर सबसे अंत में स्टील,
लोहा, एल्यूमिनियम बिल्कुल बंद, वो बिल्कुल काम का नहीं है। तो आपको मैंने 10 नियम बता दिए, इनका आप पालन करें। 11वां और आखिरी नियम एक बताना चाहता हूं कि अगर कभी बीमारी आ जाए, नहीं आए उसके लिए तो नियम बता दिए, आ जाए तो क्या करें। तो स्वयं पाक घर में बहुत औषध है, हमारा स्वयं पाक घर औषध भंडार है। सभी स्वयं पाक घर में लगभग 108 औषध है, जीरा है, धनिया है, ओवा है, अजवाइन है, आल है, अदरक है, तुलस है, पुदीना है, कोतमरी है, ये सब औषध है। आपको माहिती नहीं है, बस समस्या इतनी है क्या क्या औषध हमारे स्वयं पाक घर में है। अगर किसी को गुड़गे का त्रास है, जिसको संधिवात कहते हैं, गुड़गे का त्रास, कमर का त्रास, कंधे का त्रास, हड्डियों के जोड़ों का त्रास, इसकी सबसे अच्छी औषध है मेथी दाना। मेथी दाना आप जानते हैं, छोटा छोटा पीला पीला, एक चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में रात्रि को डाल देना, सकाड़ी अनुषापोटी, मेथी का दाना चबा के खाना और पानी भी पी जाना, तो गुड़गे का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द सब मिट जाएगा 2 से 3 महीने में। और इसी मेथी के दाने को खा के और एक फायदा है कि अगर आपका खून गाढ़ा हो गया ना, घट, जिसको डॉक्टर की भाषा में कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसकी भी सबसे अच्छी औषध यही है मेथी का दाना। खाने का तरीका एक ही है, एक छोटा चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में रात्रि को डाल दो, सुबह उठ के दाना चबा के खा लो, पानी पी लो। और इस मेथी दाने से क्या क्या रोग ठीक होते हैं, अगर हमारी आई को और ताई को यूट्रस के कोई भी रोग होते हैं, गर्भाशय के, जैसे मासिक पाड़ी का त्रास, मासिक पाड़ी समय से नहीं आती, कभी आती है तो बहुत देर में आती है, कभी तो बहुत रक्त जाता है, कभी बिल्कुल रक्त नहीं आता, कभी बहुत पेट दर्द है, कभी बिल्कुल नहीं है, ये सारे जो मासिक पाड़ी के त्रास है ना, इसकी औषध है मेथी का दाना। और जब आई की उम्र 45-50 वर्ष होती है, मासिक पाड़ी बंद होती है, उस समय के सारे त्रास का औषध है मेथी का दाना। कोई आई को बच्चा उत्पन्न हुआ, बच्चा पैदा हुआ, और उस आई को बच्चा पैदा होते ही दूध आना चाहिए, लेकिन दूध नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो उसकी सबसे अच्छी औषध है मेथी का दाना। मैं इस मेथी के दाने का उपयोग करके 60 से 70 बीमारियों का इलाज कर लेता हूं, और अपने घर में ये भरपूर है, सस्ती है, कीमत में क्वालिटी में बहुत अच्छी है। ऐसे अपने घर में बहुत अच्छी एक औषध है स्वयं पाक घर में, ओवा। ओवा को तवे में गर्म करके बाटली में भर के रखना, कभी भी पोट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, थोड़ा ओवा लेना, काला नमक मिला के चबा के खाना, जीवन नंतर आधा चम्मच, 15-20 दिन में सब त्रास खत्म कर। और इसी ओवा को गर्म नहीं करना, गुड़ के साथ मिला के खाना, तो जिनको संडास अच्छे से नहीं होती, संडास के सारे त्रास उनको होते हैं, पोट अच्छे से साफ नहीं होता, कब्जियत रहती है, कोष्ठबद्धता, मलबद्धता, उसकी सबसे अच्छी औषध है ओवा और गुड़ मिला के खाना। ओवा और काला नमक मिला के खाएंगे तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी ठीक होगा, ओवा और गुड़ मिला के खाएंगे तो मलबद्धता, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन सब ठीक होगा। ओवा एक ऐसी औषध है जो एक दिवस के बच्चे को भी दी जा सकती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी औषध है हड़द। गले का त्रास है, खोखला है, खांसी है, हड़द का दूध पी लो, हड़द को पानी में उबाल के पी लो। हड़द क्या क्या कर देती है, स्मरण शक्ति को बहुत तीव्र करती है हड़द, रक्त को एकदम शुद्ध करती है हड़द। हड़द नियमित रूप से दूध में कोई भी पिएगा, रंग एकदम गोरा हो जाएगा, एकदम साफ। रंग अच्छा करना है ना गोरा, हड़द से ही होता है और किसी से नहीं होता। और हड़द चोट पे लगा दो, औषध का काम है, चोट ठीक हो जाती है। हड़द कैंसर की सबसे अच्छी औषध है,
कैंसर के मरीज को भी हड़द का उपयोग किया जाता है। कैसे? हड़द को गाय के मूत्र में उबालना, गाय का मूत्र लेना, गोमूत्र, उसमें हड़द डाल के उबालना, फिर ठंडा करके पिलाना। आधा चम्मच हड़द और एक कप गोमूत्र डाल के उबाल के आप पिलाना शुरू करो, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, आहार नली का कैंसर, बहुत लाभ होता है। ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक औषध है, आल, अदरक, अद्भुत औषध है वो भी, खोखले के लिए, गले की सफाई के लिए। और आल बहुत अच्छी औषध है शराब छुड़ाने के लिए, व्यसन मुक्त होने के लिए। जो लोग शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मावा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, इनको अगर सब छोड़ना है, व्यसन मुक्त होना है, सबसे अच्छी औषध आल। क्या करना? आल के छोटे छोटे टुकड़े करना, नींबू का रस मिलाना, थोड़ा नमक डाल के चूसना सुबह से शाम तक, और अगर वो चूसेंगे तो व्यसन मुक्त होते चले जाए। अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध है, दूधी भोपला। किसी को हृदय घात हुआ हो, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत जास्ती हो, किसी को शक्कर का रोग हो गया हो, डायबिटीज हो गई हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया हो, सबकी औषध दूधी भोपला। दूधी भोपला निकालना, छिलका नहीं उतारना, सीधे रस निकालना। एक कप रस में कोथिंबरी का पत्ता, पुदीने का पत्ता, तुलसी का पत्ता, 10-10 पत्ते, कोथिंबरी, तुलसी, पुदीना, चटनी बना के एक कप दूधी भोपले के रस में मिला के रोज सुबह अनुशापोटी दे दें, 3 महीने में हृदय घात का सब त्रास मिटा देते, कोलेस्ट्रॉल सब खत्म हो जाता, बहुत अद्भुत है दूधी भोपला। ऐसी 108 औषध है स्वयं पाक घर में। अब मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया, 9:05, मेरे तो व्याख्यान का समय 9 बजे तक था, 5 मिनट मैंने जास्ती लिया, आप इसके लिए मुझे माफ करेंगे। मैंने कोशिश ये की है आपको कि स्वदेशी चिकित्सा, देशी चिकित्सा जो स्वयं पाक घर के मदद से हो सकती है, और अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन जो हम कर सकते हैं निरोगी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, तो फायदा पता है क्या होता है, 1 वर्ष में भारत देश के लोग निरोगी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, तो क्या कर सकते हैं, 6.5 लाख करोड़ रुपए देश का बचा सकते हैं। और 6.5 लाख करोड़ रुपए से अगर सोना खरीदें तो महाराष्ट्र राज्य के एक एक गांव की सड़क सोने से बनती है। माने देश की गरीबी, भुखमरी, बेकारी सब मिटाने का आसान तरीका है स्वस्थ रहना, निरोगी रहना। तो हम सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, निरामय रहें, ऐसी भावना लेकर मैं आया, और इसी भावना से आपको मैंने सब माहिती दी। आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि जो माहिती मैंने आपको दी वो आप दूसरों को दें, ताकि गली गली, गांव गांव ये जाए। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि भारत के सभी नागरिक स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए, एक पैसा भी औषध में खर्च ना करना पड़े, और स्वस्थ होंगे तो सुखी होंगे, और सुखी होंगे तो दूसरों को सुख देंगे, दुखी होंगे तो दूसरों को दुख ही देंगे। जो दुखी है वो दुख बांटेगा, जो सुखी है वो सुख बांटेगा। तो हम सब सुखी बने, निरोगी बने। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में एक सूत्र वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबको अच्छा स्वस्थ शरीर मिले, तो ऐसी भावना हमारे संस्कृति में है, इसी भावना से मैं आपके पास आया। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये सब जो मैंने माहिती दी याद नहीं रहेगी, तो क्योंकि आजकल हमारी स्मरण शक्ति कम हुई है, याद शक्ति कम हुई है, तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सारी माहिती, इसकी मैंने कुछ छोटी छोटी पुस्तक बनाई है, उसका कुछ नाम है स्वदेशी चिकित्सा, गंभीर रोगों की घरेलू चिकित्सा, ऐसी 6-7 पुस्तकें हैं, वो पीछे गेट पर हैं, मेरा एक कार्यकर्ता है यलप्पा गौड़ा, वो वहाँ पर है, आप ले सकते हैं। जो माहिती मैं दे रहा था उसकी एक CD बनाई है, 14 तास की MP3 है, वो CD में संपूर्ण माहिती है,
तो सीडी ले सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं। किसी भी सीडी और पुस्तक पर मेरा कॉपी राइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है। हाँ, अगर आपको सीडी अच्छी लगती है आप उसकी 1000 कॉपी बनाओ, 2000 कॉपी बनाओ और सब नागरिकों को बांट दो, मैं कभी आपसे मुकदमा लड़ने नहीं आऊंगा। अगर आपको पुस्तक में माहिती अच्छी लगती है उस पुस्तक को छाप छाप के बांट दो, मुझे कोई त्रास नहीं, क्योंकि मैंने ये ज्ञान इकट्ठा किया है सबको देने के लिए, व्यापार के लिए नहीं, देने के लिए। अगर ये ज्ञान आपके पास आएगा आप किसी और को देंगे, वो किसी और को देगा, धीरे धीरे संपूर्ण देश निरोगी और स्वस्थ हो जाएगा। चलते चलते एक आखिरी माहिती कि जिंदगी में कभी भी आपको कोई बहुत भयंकर त्रास हो जाए और डॉक्टर आपको बोले 4-5 लाख रुपए लगेगा, ऑपरेशन करा लो, और आपके पास 4-5 लाख रुपए ना हो, उस स्थिति में आप मुझे एक फोन करना, मैं मेरा मोबाइल नंबर आपको दे देता हूं, कभी भी मैं आपकी मदद करूंगा, मुश्किल से 2-5-10 रुपए के खर्चे में आपकी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। मैं लोगों का इलाज करता हूं होम्योपैथी दवा से और स्वयं पाक घर की औषधियों से। मेरा यह सूत्र है बिना खर्चा इलाज होना, कम से कम खर्चे में या शून्य खर्चे में लोगों का इलाज होना। तो आपको कभी जरूरत पड़े तो आप फोन कर सकते हैं। मेरा फोन अक्सर व्यस्त रहता है क्योंकि आप जैसे लोगों की सेवा में मैं रहता हूं, तो SMS करना ज्यादा अच्छा है। मेरा नंबर है 9422903599 9422903599। और जहां मैं रहता हूं वर्धा नगर में, वहां का मेरा घर का नंबर है 07152 07152 260041 260041। तो लैंडलाइन पे आप बात कर सकते हैं, मोबाइल पे, अगर मोबाइल व्यस्त है तो SMS कर दीजिए, और आप चाहें तो खत लिखकर भी मुझसे माहिती ले सकते हैं। आपको कोई त्रास हो गया, औषध की माहिती नहीं है, आप एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखिए। मेरा पता बहुत सरल है, राजीव दीक्षित, मुकाम पोस्ट सेवाग्राम, जिला वर्धा, राज्य महाराष्ट्र। राजीव दीक्षित, मुकाम पोस्ट सेवाग्राम, जिला वर्धा, राज्य महाराष्ट्र। पिन कोड है 442-102 442-102। मेरे पास एक प्रश्न आया है, तो प्रश्न ये है कि 18-20 साल की उम्र के लड़कों को ऐसा लगता है कि तबीयत अच्छी रखने के लिए गुटगुट, जाड़, अच्छे दिखने के लिए एलोपैथी गोलियां, इंजेक्शन लेनी चाहिए, इससे तबीयत अच्छी रहती है, उनकी ये गलतफहमी है और उसके शिकार हो रहे हैं, ऐसे लड़कों को मार्गदर्शन दीजिए। जो लोग भी इंजेक्शन लेकर तबीयत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी नपुंसकता में चले जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है क्या औषध दी जाती है, स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, शरीर की सारी प्रतिरक्षा शक्ति खलास हो जाती है वो स्टीरॉइड से। इसलिए जो लड़के गोलियां खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं अच्छा दिखने के लिए, वो तुरंत बंद कर दें, तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं। सबसे अच्छी औषध बताता हूं अच्छा दिखने के लिए, तबीयत अच्छी रखने के लिए, चूना खाएं। चूना, चूना जानते हैं, पान में जो खाते हैं, रोज 1 ग्राम चूना गेहूं के दाने के बराबर ताक में मिलाकर खाना खाने के बाद पिए रोज, 2-3 महीने में इतनी अच्छी तबीयत हो जाएगी जो इंजेक्शन से भी नहीं हो सकती। हमारे पुराने जमाने के लोगों ने जीवनंतर पान खाने की जो परंपरा शुरू की ना, वो चूने के लिए, चूना खाना है तो पान पे लगा के खाते थे, और उनकी तबीयत और उनकी ताकत हमसे हमेशा ज्यादा रही है। तो बस इतना सा है, चूना खाइए तबीयत बहुत अच्छी रहेगी, और केला खाइए बहुत अच्छी तबीयत रहेगी, गुड़ और शेंगा खाइए बहुत अच्छी तबीयत रहेगी, फुटाना और गुड़ खाइए बहुत अच्छी तबीयत रहेगी। ये मत खाइए बूस्ट, हॉर्लिक्स, प्रोटीन एक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, मोल्टोवा, इसमें कुछ नहीं है।
हमने जब ये सबका परीक्षण कराया ना बूस्ट हॉर्लिक्स का, तो पता चला कि वो मूंगफली की खली है, शेंगा की खली। मतलब समझते हैं, शेंग दाना है ना, उसका तेल निकाल लिया, तेल निकालने के बाद जो बच गया वो बूस्ट है। अगर बाजार से ये खरीदो 20 रुपए किलो का मिलता, बूस्ट 200 रुपए किलो है। लूट मार मची हुई है, आपको उल्लू बना रहे। इसलिए ये बूस्ट हॉर्लिक्स वगैरह मत खाइए, मत खिलाइए। क्या खिलाएं? शेंगा और गुड़, फुटाने और गुड़, केला और दूध, केला और दही, दही में थोड़ा सा चूना, ताक में थोड़ा सा चूना, तबीयत एकदम दुरुस्त मस्त और अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ और अच्छी तबीयत करनी है ना, तो जेवन नंतर एक चम्मच तिल चबा के खाइए। तिल है ना, तिल, एक तो काला तिल है, काला तिल मिलेगा तो सबसे अच्छा। जेवन नंतर एक चम्मच काला तिल चबा चबा के खाइए, दिन में एक ही बार खाइए, जिंदगी भर तबीयत मस्त रहेगी, आप कोई त्रास नहीं आने वाला। ठीक है, अभी मैं तो ऐसे बोलता जाऊंगा, ये चलता जाएगा, क्योंकि ये खजाना बहुत बड़ा है। अभी आप सबसे मैं विदा लेना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने बड़े शांति से सुना, और दूसरों को अगर ये माहिती देंगे तो मैं और भी आपका आभारी रहूंगा। जिनको सीडी पुस्तक चाहिए वो पीछे जाकर ले सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। 2 मिनिट। मी रवींद्रजी वानखेडे साहेब यांना राजीवजी दीक्षित यांचा सत्कार करण्यासाठी मंचावर पाचारण करते। वानखेडे साहेब यानंतर या ठिकाणी दीक्षित जी वानखेडे साहेबांचा सत्कार करतील। दीक्षित जी वानखेडे साहेबांचा सत्कार करतायत। यानंतर सुशील जी खटोड, गौतम जी खटोड यांना मी व्यासपीठावर निमंत्रित करते। प्रतिष्ठानचे प्रमुख आधारस्तंभ असणारे, प्रमुख मार्गदर्शक असणारे रवींद्रजी वानखेडे साहेब यांचा सत्कार राजीवजी दीक्षित करतायत। टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचे स्वागत करूया। सगळ्यांनी जागेवर बसायचं। यानंतर लगेचच या ठिकाणी सिंधुताई सपकाळ यांचा आईच्या विषयीचं असणारे व्याख्यान आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे, अत्यंत सुंदर, तेव्हा कुणीही जागा सोडू नये। यानंतर सुशीलजी खटोड